हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। मैं हेल्दी और टेस्टी नाश्ता बना रही हूँ। चावल और ये हरी सब्जियों से बनकर तैयार होने वाला नाश्ता है। झटपट से ये बन भी जाता है, टाइम नहीं लगता है और हेल्दी टेस्टी दोनों होता है। बच्चों का फेवरेट भी होता है। जो डाइट पे है वो सुबह सुबह नाश्ते में ये बना करके ले सकता है। ये बहुत करारा होता है और खाने में भी स्वादिष्ट होता है। बच्चे तो इसे बहुत मन से खाते हैं, बच्चे क्या बड़े भी खाते हैं। ये मैं नाश्ते में बनाती हूँ तो सोची कि आज आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। देर नहीं करते हैं, चलते हैं बनाते हैं। इससे पहले मेरे चैनल पे जो भी नए हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, शेयर करिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए। चलते हैं बनाते हैं इसे। हरी चटनी या टोमेटो केचप के साथ खा सकते हैं। देर नहीं करते हैं, चलते हैं बनाते हैं इसे। दिखाती हूँ इसकी तैयारी करके कि कैसे कैसे क्या क्या सामान पड़ेगा इसके अंदर। ये चावल है, पूरे रात भिगो करके रखी थी, अच्छे से धो ली हूँ। और ये दो आलू है, बॉयल करके छोटे छोटे टुकड़े में काट ली हूँ। इसको मिक्सी में पीस लेते हैं, आधा चावल और आधा आलू डाल करके पीसेंगे। पहले चावल को ऐसे ही पीस लेंगे, उसके बाद आलू को डालेंगे। आधा पीसने के बाद आलू को डालेंगे। पीस करके दिखा रही हूँ आप लोगों को। आधा पहले ऐसे पीस लेंगे, फिर आलू को डालेंगे इसमें, एक साथ नहीं डालेंगे। अब इसे महीन कर लेंगे। ऐसे ही इसका पेस्ट होगा। पूरे चावल को मैं पीस ली। ये हरी सब्जी काट ली हूँ, गाजर है, शिमला मिर्च, पत्ता गोभी, बीन्स, गोभी, अदरक है ये कद्दूकस कर ली हूँ, हरी मिर्च, टमाटर इन सबको छोटे छोटे टुकड़े में काट ली हूँ। सब्जी जो चाहे आप डाल सकते हैं। ये धनिया पत्ता इन सबको काट ली हूँ। अब इसके अंदर डाल देते हैं सारे सब्जियों को। इसमें दही भी डालेंगे, अगर दही नहीं डालना है तो नींबू डाल सकते हैं। बड़ा चम्मच दही डाल दी, स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, जीरा पाउडर, भुना हुआ जीरा पाउडर है, आधा चम्मच के बराबर काली मिर्च डालेंगे, ये काली मिर्च। अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब इसमें इनो डाल देंगे, ज़्यादा नहीं, आधा चम्मच के बराबर ये भी डालेंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इसमें पालक भी डाल सकते हैं, ये सेहत और स्वाद से भरपूर है, हेल्दी और टेस्टी ब्रेकफास्ट। देखिए अच्छे से मिक्स कर ली। अब गैस की तरफ चलती हूँ। गैस ऑन करके ये अपन पैन रख दी हूँ। अब इसमें तेल ऐसे लगा देंगे। ये सारे में तेल लगा दी। अब सबके अंदर एक एक चम्मच भर लेंगे, ज्यादा ऊपर तक नहीं भरेंगे, सारे में ऐसे भर लेंगे। ऊपर तक नहीं भरेंगे क्योंकि ये फूलेगा भी, इसलिए थोड़ा कम कम ही भरेंगे। इसे सारे को भर लेती हूँ, सारे में भर दी हूँ। अब इसे 5 मिनट के लिए ढक दूंगी,
फ्लेम मीडियम रहेगा, मीडियम से लो तक रहेगा ये। इसको पलट लेते हैं, 5 मिनट हो गया है। देखिए कितना अच्छा कलर आया है। ऐसे ऊपर से भी लगा सकते हैं इसमें, ताकि ये पलटेगा नीचे जाएगा तो इसमें तेल सारे में रहेगा। ऐसे सारे के ऊपर तेल लगा लेंगे पहले। सारे में तेल लगा ली, अब इसे पलटते हैं। ये आराम से ऐसे पलट जाता है, देखिए। सारे पलट लेती हूँ एक एक करके ऐसे ही। सारे पलट ली हूँ, 5 मिनट के लिए इसे भी ढक दे रही हूँ। अगर आपके पास अपम पैन नहीं है तो ये तवे पे भी चीले की तरह बना सकते हैं। 5 मिनट हो गया है, अब इसे निकाल लेते हैं। देखिए एक प्लेट में निकाल लेंगे। देखिए दोनों साइड से कितना अच्छा बना है, देखिए। सारे निकाल लेती हूँ प्लेट में।